अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब लोग? आई होप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद शर्जील और आप सबको हॉर्टिकल्चर प्लस में वेलकम। तो फ्रेंड्स, दो दिन से बारिश हो रही थी तो मैंने वीडियो भी कोई अपलोड नहीं कर सका। ना कोई बंदा फर्टिलाइज़र डाल सकता है, ना कोई कटिंग कर सकता है ट्रीज़ की। इसके अलावा बाहर आने का मौका ही नहीं मिला बिल्कुल भी। तो आज सुबह भी बारिश हो रही थी तो मैं अभी सो के उठाऊँ थोड़ी देर पहले तो बाहर आया हूँ। बारिश सही टिका के भी हुई है लेकिन अभी ख़त्म है, इस टाइम हो नहीं रही। तो मैंने सोचा चलो आपको अपने गार्डन का आज व्यू करवाऊँ, जिसके अंदर मेरे एप्पल ट्रीज़ भी लगे हुए हैं, एप्रिकॉट ट्री हैं, पीच ट्री लगे हुए हैं, माल्टा फ्रूटर काफ़ी सारे और भी हैं ट्रीज़। तो चले मैं आपको अपने गार्डन का व्यू भी करवाता हूँ, साथ साथ इनके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो दरख्त है ये है मौसम्मी का। इस दफ़ा हमने इसमें बहुत ज़्यादा फल खाया है। इसमें देखें, ये आपको दूर से नज़र आ रहे हैं, मौसम्मियाँ लगी हुई हैं। ये पूरा दरख्त भर चुका था तो हमने उतार उतार के खाए भी हैं, दूसरों को भी दिया है। तो इस दफ़ा इसके ऊपर फल बहुत अच्छा लगा। ये मौसम्मी का दरख्त है, देखें इसके पत्तों का कलर भी चेंज हो चुका है। असल में ऑटम का सीज़न स्टार्ट है, जो खुश्क पत्ते हैं वो गिर रहे हैं, बाकी कलर चेंज कर चुका है। तो चलें आगे आते हैं। ये वाला जो दरख्त है ये है आड़ू का दरख्त, लेकिन बिल्कुल ये मुरझा चुका है, खुश्क है। मुरझाने से मुराद ये ऑटम के सीज़न में मुरझा चुका है। इसकी कटिंग थोड़ी सी रहती है, आधी कटिंग हो चुकी है। मैंने इसकी कटिंग करनी थी लेकिन बारिश स्टार्ट हो गई। असल में गीली टहनियाँ होती हैं तो कटिंग मुश्किल होती है, सख्त मतलब जान लगती है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा। तो अभी धूप निकलेगी तो इसकी मैं कटिंग करूंगा, क्योंकि यही सीज़न होता है कटिंग करने का। आगे स्प्रिंग का सीज़न है, उसमें पत्ते वगैरह निकलेंगे तो अगला सीज़न फिर ये फल भी देता है। ये आड़ू का दरख्त है जिसको हम इंग्लिश में पीच कहते हैं। तो चलते हैं आगे। ये वाला जो दरख्त है सबसे बड़ा दरख्त है और इसके ऊपर सबसे ज़्यादा फल लगता है, ये है खुबानी का दरख्त, एप्रिकॉट ट्री। ये सबसे बड़ा दरख्त है इसकी, ये भी ऑटम की वजह से इसके पत्ते सारे गिर चुके हैं। इसकी कटिंग तकरीबन अभी सिर्फ 30% कटिंग हुई है और बाकी बहुत ज़्यादा रहती है। नीचे से मैं शुरू कर दूंगा कटिंग वगैरह, बाकी अगर ऊपर हाथ गया या ऊपर चढ़ सका तो ऊपर की भी कटिंग हो जाएगी। लेकिन ऑटम के सीज़न में ये इसकी अपनी ही एक शेप है, बग़ैर पत्तों के देखें किस तरह फैला हुआ है। ये जो नीचे आप लगा सकते हैं ईंटें वगैरह, ये क्या कहते हैं, गार्डनिंग में शामिल होती हैं एक तरह से। ये खूबसूरती में इजाफा करती हैं। ये पेंट जिस तरह किया हुआ है, ये अभी किया है कुछ दिन पहले ही। ये ईंटें मैंने खुद लगाई थी, पहली दफ़ा लगाई लेकिन बहुत अच्छी लगी ये सारी जो आपको सामने नज़र आ रही हैं। ये जो दरख्त है ये है फ्रूटर का और माल्टा, ये एक ही दरख्त है। वो किस तरह, ये भी छोटे थे पौधे, इसके अंदर ग्राफ्टिंग हुई थी, मतलब पहले माल्टे, बाद लोग किन्नू भी कहते हैं, मतलब अपनी अपनी ज़ुबान में बहुत कुछ कहते हैं। तो मतलब ये मिक्स वैरायटी है बीच में। तो इस दफ़ा इस दरख्त के ऊपर बहुत ज़्यादा फल लगा है। पिछले जो मैंने आपको मौसम्मी का दरख्त दिखाया उससे ज़्यादा इस पर फल लगा। तो माल्टा और फ्रूटर मिक्स है। हमारे घर जो भी आते थे यहाँ से माल्टे वगैरह लेकर जाते थे, फिर भी माशाल्लाह ख़त्म नहीं हुए, काफ़ी ज़्यादा इसमें बरकत हुई। तो अच्छा, ये देखें, ये हमने क्या कहते हैं इसके ऊपर ट्रक फिरवाया, क्योंकि लॉन काफ़ी बड़ा था तो हाफ लॉन जो है वो फ्लावर्स वगैरह दूसरी प्लांटिंग के लिए और एक हमने वेजिटेबल्स वगैरह के लिए हमने कहा इसके ऊपर सब्जियां वगैरह लगाएंगे ताकि यहाँ पर धूप वगैरह सही लगे। तो ट्रैक्टर फिरवा दिया है लेकिन आजकल हमने मालिक को बुलवाना था, क्योंकि काफ़ी बड़ी ज़मीन, अगर छोटी ज़मीन होती है तो हम ख़ुद भी कर सकते हैं लेकिन बहुत बड़ी है तो जो हमारे माली अंकल हैं वो आएँगे तो यहाँ पर उन्होंने पहले ज़मीन सेट करनी है। उसके बाद इस मौसम में हम सब्ज़ियाँ नहीं लगा रहे क्योंकि ये वाला मौसम होता है ओस का, ऑटम का सीज़न होता है, इसमें ग्रोथ प्लांट क्या होती है रुक जाती है और दूसरी सब्जियां लग सकती हैं जो अंडर ग्रोथ होती हैं, जिनको हम बल्ब वेजिटेबल्स कहते हैं। लेकिन अगर वो भी लगाएंगे, उनकी पनीरियां लगाते हैं तो वो ओस का मसला होता है, ओस गिरेगी तो उनको नुकसान पहुंचेगा। तो बेहतर यही है अगला जो महीना है फरवरी का, आज 5 तारीख है जनवरी की, अगला महीना फरवरी जिस तरह शुरू होगा तो मौसम बहार शुरू होगा, उस वक्त आप 2-4 दिन पहले
वेजिटेबल्स लगा सकते हैं, दूसरी प्लांटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो इस वजह से मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, ये जो मौसम होता है ये प्लांटिंग करने, सॉरी, प्लांट बेड्स तैयार करने के लिए बेहतरीन होता है।